गया के मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पानी का जल जमाव से महिला रोगियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को काफी असुविधा हो रही है। जल जमाव के कारण जमीन पर फिसलने का डर गर्भवती महिलाओं को अक्सर बना रहता है। वहीं विषैले जीव कीड़े मकोड़े का भी डर बना रहता है। इस स्वास्थ्य केंद्र में एक भी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं रहने के कारण प्रसव के लिए आए मरीजों को प्रभावती अस्पताल या निजी अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। वहीं अस्पताल के मुख्य द्वार पर निजी अस्पताल का बोर्ड भी लगाने की जानकारी केंद्र ने प्रभारी डॉक्टर एसएन कुमार को नहीं है। जैसे ही कुछ जानकारी प्राप्त होती है तो इस पर कार्यवाही शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल जमाव इसलिए है कि सामने का रोड ऊंचा है और केंद्र का परिसर नीचे है, इसलिए पानी नहीं निकल पाता है। से पानी का जो निकास था पीछे जो हमारा फील्ड है वहाँ पे होता था। सामने तो देख ही रहे हैं कि जो एनएच है वो ऊंचाई पे है पहले से, ठीक है। तो जो निकास था पानी का वो पीछे फील्ड में होता था, लेकिन जब से ये गंगा उद्यम योजना के तहत जो पीछे से खुदाई हुआ है तो उसका जो डंपिंग है वो मिट्टी का पीछे वाले फील्ड में करना स्टार्ट हो गया, जिस कारण से पीछे का जो फील्ड है वो भी ऊँचा हो गया है। तो निकास सब कहीं रहा नहीं, जो भी निकास था आगे से तो रोड ही है एनएच जो ऊँचाई पर है, और पीछे फील्ड जो नीचा था अब उसका भी स्तर ऊंचा हो गया है। तो निकास जो था वो एक तरह से बंद हो गया है और हम लोग का जो पानी का जल जमाव में स्थिति है वो दस का दस बना हुआ है। इसके लिए हम लोग अपने स्तर से जो लेटर था वो लिखे थे ब्लॉक में वीडियो सर को, और सीएस सबको लेटर गया हुआ है कि यहाँ पे एक नाला का बंदोबस्त किया जाए, पनसुखा का बंदोबस्त किया जाए टेम्पररी, जिससे पानी का जो है वो निदान हो सके जल जमाव। लेकिन अभी तक किसी कारण उनके स्तर से अभी तक कोई निदान अभी तक हुआ नहीं है। सर एक और है, अभी जो आपका गेट है उस गेट के जो बोर्ड है अस्पताल का उस पर एक प्राइवेट अस्पताल का बोर्ड लगा हुआ है, यानी कि जो रेजिस मतलब जयप्रभा वेदांता जयप्रभा अस्पताल का, ये नहीं लगता है सर कि हम सरकारी अस्पताल का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, वहाँ पर एक प्राइवेट बोर्ड लगा हुआ है, आपने देखा है? तक तो खैर इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है हमको, ठीक है, देखे नहीं है इस तरह से, देख लेंगे उसको, उसके बाद ही कुछ कमेंट कर पाएंगे। और जहाँ तक प्राइवेट बोर्ड का बात है तो प्राइवेट संस्था लोग अपना प्रचार प्रसार करती ही हैं, लेकिन हाँ ये गलत है कि वो किसी सरकारी अस्पताल के आगे अपना बोर्ड लगाइए, उस पर जैसे ही अस्पताल का बोर्ड को ही ऊपर में लगा हुआ है तो देख लेते हैं, जैसे ही उस पर होता है तो कुछ कार्रवाई करते हैं। परिचय दे दीजिए, परिचय दे दीजिए। डॉक्टर रंजन कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानव। कितना दिन से पानी है? पानी ये बरसात आया उस समय से पानी है जी, जमा ऐसा ही रहता है। अच्छा। कमी जब ज़्यादा धूप हुआ दो चार दिन में थोड़ा बहुत हल्का सूखता है फिर वैसा ही हो जाता है। हम बहुत लोगों को बोला, आपके मैनेजर साहब को भी बोला, उनको भी बोला भाई सबको बोल व्यवस्था कीजिए, स्टाफ लोग को भी बोला, और फैमिली लोग औरतें लोग जाती हैं तो कभी काई बैठ गया है, मिट्टी है अगल बगल में, स्लिप भी कर जाता है, गिर भी जाती हैं वो लोग। हर तरह के फैमिली मरीज भी है, उसके साथ अच्छे भी लोग जाते हैं, बच्चे लोग भी जाते हैं, वो लोग को बहुत परेशानी होता है, कोई ध्यान इस पर नहीं है। अच्छा अच्छा। पानी भर जाता है तो लोग कपड़ा उठा करके चलना पड़ता है, अब मोटरसाइकिल पर जाने वाले हैं जो फैमिली लेकर जा रहे हैं तो उसको उतारना पड़ता है यहीं, वो बेचारी धीरे धीरे जाती हैं डर से कैसे न गिर जाए तो चोट लग जाए, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, इस तरह की परेशानी है। डिलीवरी केस के जो औरतें लोग आती हैं उन लोग भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानी। जब से पानी जमा है तब से एक बार भी कभी निदान नहीं किया गया? नहीं, पानी कोई यहाँ पर मतलब पेशेंट भर्ती रहता है? हाँ पेशेंट रहते हैं, जैसे डिलीवरी केस में आते हैं रात में आए, कोई दिन में आया, कोई सुबह 10 बजे से हॉस्पिटल खुलती है उस समय से भीड़ लगती है। जी और क्या कहते हैं इसमें है कि रात बिरात में औरतें लोग आती हैं, हर तरह के जानवर वगैरह है ये सब तंग करते हैं, बिच्छा हो गया सांप भी निकलते रहता है, पानी पड़ता था सांप भी निकलता है, इस तरह से लोगों को परेशानी होता है, बहुत परेशानी से झेलना पड़ रहा है। जी इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, देखिए आपके सामने है
कि भाई इसका कोई उपाय नहीं, पर्चे दे दीजिए। मेरा पर्चे तौफीक अहमद मेरा नाम हुआ। क्या करते हैं आप? हम रिक्शा गैरेज है मेरा, यहाँ पे जी ठीक है।